हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है उसको लेकर के काफ़ी कुछ बवाल मचा हुआ है। उसका कारण ये है कि जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो व्हाट्सएप है वो अपने यूज़र्स का डेटा जो है फेसबुक और कई अन्य कंपनियों के साथ शेयर कर सकता है, जिसके लिए इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए डेडलाइन दी गई है 8 फरवरी 2021। जो यूज़र्स 8 फरवरी 2021 तक इसको एक्सेप्ट करेंगे वे व्हाट्सएप यूज़ कर पाएंगे, और जो नहीं करेंगे उनका व्हाट्सएप बंद हो जाएगा। तो ये पूरी प्राइवेसी पॉलिसी है और जिसको लेकर के यूज़र्स जो है वो व्हाट्सएप से काफ़ी नाराज़ थे और उसके अल्टरनेट को भी ढूंढ रहे थे कि व्हाट्सएप की जगह कौन सा जो है वो एप्लीकेशन यूज़ किया जा सकता है, जिसको देख करके व्हाट्सएप जो है वो बैकफुट पर आ गया है। और व्हाट्सएप ने आज एक नया अपडेट जारी किया है और उसको बताया है कि वो अब क्या क्या उसमें पॉलिसी में जो है वो चेंज कर रहा है। तो आइए आपको उसमें पूरा दिखाता हूँ कि ये अपडेट आपको कहाँ पर दिखने के लिए मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का जो है वो व्हाट्सएप अपना ओपन करना पड़ेगा। आप अपना WhatsApp ओपन करेंगे और जैसे ही आप स्टेटस में जाएंगे तो उसमें आपको सबसे ऊपर WhatsApp का जो है वो खुद का स्टेटस दिखेगा, जिसको कि आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने उसमें साफ लिखा है वी आर कमिटेड टू योर प्राइवेसी, यानी कि हम आपकी प्राइवेसी के लिए कटिबद्ध हैं। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट अपडेट में दिखेगा, WhatsApp कांट रीड और लिसन टू योर पर्सनल कन्वर्सेशंस एज दे आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, यानी कि यहाँ पर WhatsApp कह रहा है कि जो भी आपके पर्सनल मैसेज हैं WhatsApp ना तो उनको पढ़ेगा ना ही सुनेगा, क्योंकि ये जो मैसेजेस है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट आपको इसमें दिखेगा स्टेटस में, WhatsApp कांट सी योर शेयर्ड लोकेशन, यानी कि जो आप लोकेशन को शेयर करते हैं वो भी WhatsApp जो है वो नहीं देखेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो उन्होंने अपडेट दिया है, WhatsApp डजंट शेयर योर कॉन्टैक्ट्स विथ Facebook, यानी कि WhatsApp यहाँ पर साफ कह रहा है कि वो जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं वो Facebook को नहीं देगा। हालांकि यहाँ पर आपको बता दूँ दोस्तों कि Facebook जो है वो WhatsApp की ही कंपनी है, यानी WhatsApp जो है उसको Facebook ने पहले ही खरीद लिया था, और अगर आप WhatsApp Facebook Messenger यूज़ करते हैं तो Facebook के पास आपके कॉन्टैक्ट वैसे ही रहेंगे। अब इसके अलावा भी जो है WhatsApp ने और इसमें कुछ डिटेल्स नहीं दिए हैं, ये WhatsApp ने स्टेटस के थ्रू जो है वो ये डिटेल्स शेयर किए हैं यूज़र्स के साथ। तो अब देखना ये है कि ये कितना जो है इसका फ़र्क पड़ेगा और WhatsApp जो है क्या इसको उसी तरीके से फॉलो करेगा जैसे वो यहाँ पर बता रहा है, या फिर जो है प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ और क्लॉज होंगे जिसको कि यहाँ पर नहीं शो किया गया है और आपका डेटा जो है वो सुरक्षित नहीं रहेगा। तो ये आप मुझे दोस्तों ज़रूर कमेंट करके बताइए कि क्या आप अभी भी WhatsApp पर ट्रस्ट करेंगे या फिर आप किसी दूसरे ऐप की तरफ अभी देखेंगे। तो दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।